शास्त्रीय संगीताच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना आपण हे चौथ्या वर्ष आपलं आहे भीमांजलीचं. जगातले सगळे नामवंत घराणे आत्तापर्यंत या कार्यक्रमाला आपली उपस्थिती देऊन गेलेत. आज के इस महान पवित्र दिवस में मुझे ये जो अवसर मिला है बांसुरी से, मेरे वादन से स्वरांजलि भीमांजलि देने का बाबा साहब को, ये बहुत भावुक क्षण है. मैं मेरे मित्र महान कलाकार जो मेरे छोटे भाई भी हैं, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ. हर्षदीप कामले सर जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उनको हृदय से आभार करता हूँ मैं. और अपने सुरों से मैं भीमांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ. आप सब मेरे साथ जुड़िए और प्रार्थना करिए. ये भावुक क्षण हैं. जैसे शुरुआत में ही कहा गया कि तालियों की जरूरत नहीं है, आत्मा से नमन करने की जरूरत है, और वही करिए. इनकी भी सेवा होनी चाहिए भगवान बुद्ध के चरणों में. आज भीमांजलि के दिन तो मेरे पुत्र ऋषिकेश मजुमदार आने वाले नहीं थे, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं. आप सब ये भी सीख रहे हैं, आज ये भी सेवा करेंगे मेरे साथ. धन्यवाद. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. राग नट भैरव.
कोई बात नहीं, आनंद है, ऐसा बजाया इन्होंने। Thank you.
आज भावन जी के लिए कुछ मैं गाना चाहता हूँ। आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ गाना है, कहाँ उस भारत माँ के सच्चे सेवक डॉक्टर साहब को कहाँ पे श्रद्धांजलि देनी है, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं गाता हूँ। जब दुख की घड़ी आए, जब दुख की घड़ी आए, सच पर झूठ विजय पाए, सच पर झूठ विजय पाए, इस निर्मल पावन मन पर हो, निर्मल पावन मन पर जब कलंक के घन आए, अन्यायों के आंधी से प्राण उठे जब तेरे डोल, अन्यायों के आंधी से प्राण उठे जब तेरे डोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानव तू मन से बोल, बुद्धं शरणं गच्छ। सब लोग गाइए, सब भावांजलि देने आए हैं, कोई चुप ना रहे। तब मानव तू मन से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। सगळ्याने गायचे 1 2 3 4। तब मानव तो मन से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानव तो मन से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। मन से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानव तो मन से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, आ तेरे डोल,
अब मानव तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, ओ तब मानव तू मन से बोल, ओ तब मानव तू मन से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। मानव सो दिल से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जय भीम, जय भीम, जय भीम। वंस अगेन आई वांट टू थैंक कामले साहब, द होल टीम एंड मुकेश भाई जाधव हु वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी एंड नाउ ही हैज बिकम अ लेजेंड। I'm so proud of, because age-wise I'm senior, so I'm taking the advantage of thanking him. Many, many memorable concert, he's our proud, and tumcha saglana mi dhanyavad karto. Mi Harshadeep Kambale sarana vinanti karto ki krupaya tyanni dhanyavad dyayche pandit jinche. Humne iski shuruaat, Abhimanjali program was started in 2016. Tab humne 125vi jayanti ke uplaksh mein बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था, जो बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से हमने मनाई थी। और फिर उसी साल धम्म दीक्षा को 60 साल पूरे हुए थे, तो कल्याण में हमने वो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया था। और उसी साल हमने ये भीमांजलि जो है, जो बाबा साहब को क्लासिकल म्यूज़िक द्वारा 6 दिसंबर को सवेरे 6 बजे आदरांजलि का ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। पहला कार्यक्रम हमने वडाला के जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज है उसके ग्राउंड में लिया था। तब लोग यही बोल रहे थे कि मुंबई के लोग इतने 6 बजे जल्दी उठ के आएंगे नहीं, लेकिन हमें बड़े आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि लगभग 3000 लोग वो कार्यक्रम के लिए 6 दिसंबर को 6 बजे वहाँ वडाला कॉलेज में उपस्थित थे। और तब से ये सिलसिला जो है बाबा साहब को भीमांजलि द्वारा आदरांजलि देने का, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के जो जाने माने लोग हैं, जिनका पूरे विश्व में नाम है, इनके द्वारा बाबा साहब को आदरांजलि देने का यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। ये 4th साल है, अगले साल भी हम लोग सालों साल ये करते जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जो है वो जुड़ते गए हैं और ये कार्यक्रम हमेशा ही चलता रहे, ऐसी हमारी इच्छा है, मंशा है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पर डॉक्टर कदम इन्होंने 22, 23, 24 नवंबर औरंगाबाद का जो बहुत बड़ा हमने ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्ग्रीगेशन वहाँ पे लिया था, जिसमें श्रीलंका के संघराजा और हिज होलीनेस दलाई लामा और 10 देशों के भिक्कुगण और लाखों लोग वहाँ पर सुनने के लिए, बुद्ध के विचार जानने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी हम लोग बड़े प्रोग्राम लेते हैं उसमें हमारे जो ये यंग वॉलंटियर्स है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग को उत्साहित प्रोत्साहित करते हुए उनको ये हमारे विचार है ये समझाने के लिए, उनको इस मूवमेंट का पार्ट करने के लिए उस पर हम लोग काम करते हैं।
और मुझे बड़ी खुशी है कि 125वीं जयंती से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें काफ़ी सारे लगभग 1000 के ऊपर यूथ वॉलंटियर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद में भी अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसके लिए यहाँ से 350 हमारे यूथ वॉलंटियर्स वहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए 5 दिन के लिए गए थे। मुझे लगता है कि ये युवा पीढ़ी में ये थोड़ा सा परिवर्तन जो दिख रहा है यही हमारी आशा की किरण है और हम इन्हीं में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट जो है इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऑफकोर्स इन प्योरेस्ट फॉर्म, लेकिन जितना ज़्यादा और आने वाली पीढ़ी जो है ये और उसको ज़्यादा प्योर फॉर्म में लेके जा सकती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हम इनको इसलिए प्रमोट करते हैं कि ये युवाओं में दौड़ने की बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये गाइड करना, मार्गदर्शन करना दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, तो वो हम लोग करते हैं। और दौड़ने का, ये कुर्सियाँ उठाने का लेकर सभी काम जो है ये हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। वो जैसे मैंने बताया कि औरंगाबाद में भी 5 दिन ये रहे तो वहाँ पे कहाँ सोने को मिलेगा या खाने को मिलेगा इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं थी। एक अच्छी, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो रहा है, इसी के समझ उनमें आ गई है और इसके लिए ये 5-5 दिन वहाँ पर रहे हैं। और छोटी छोटी बच्चियाँ, मतलब जो 16-17-18 साल की, जो जिन्होंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा, ऐसी लड़कियां भी हमारे साथ वहाँ औरंगाबाद में वॉलंटियर्स करके काम कर रही थी। और उनके घर वाले जो हैं वो बोले कि हम अभी 4 साल से मुंबई में काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति की तरफ से हम लोग ये काम करते हैं, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये वॉलंट्री ही काम है और सभी लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है, कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं है। तो ये लोगों का भी एक विश्वास कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स द्वारा एक कोई अच्छे काम हो रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को उन्होंने हमारे साथ औरंगाबाद भी भेजा है। मुझे लगता है कि ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोग ये हमारे बच्चे जो है इनका करियर भी कैसे अच्छा हो जाए, इसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये भी हमने शुरू किया है, जिसमें 3 हफ्ता हम इनको खुद का छोटा मोटा ही क्यों ना हो, बिज़नेस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बिज़नेस में उतरना चाहिए, क्योंकि सभी को मालूम है नौकरियां अभी काफ़ी कम हो गई है, तो हम उसी के लिए भी प्रयत्नरत है। और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू हियर दैट विद इन लास्ट 10 मंथ्स ऑफ अ टाइम वी वेर एबल टू ट्रेन इन दिस 3 वीक्स प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अराउंड 2000 यूथ्स ऑफ महाराष्ट्र, और उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमने एक गवर्नमेंट की स्कीम भी लॉन्च की है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उसी के अंडर इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी हम लोग सैंक्शन करने वाले हैं, इसी आशा के साथ कि ये बच्चे खुद के पैरों पर खड़े रहें और अगर इस तालीम से वो जाते हैं तो ये खुद की भी मदद करेंगे और समाज की भी मदद करेंगे, कम्युनिटी की मदद करेंगे, और अल्टीमेट ध्येय जो हमारा है वो है कि इस देश को आगे लेके जाना है। सो इफ़ एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ एवरीबडी गेट्स अ चांस टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, आई थिंक ही वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया। एंड वी नो, वी बिलीव दैट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन बिल्डर of this country. This is our tribute through our work to him. Thank you. Namo Buddhaya. Jai Bhim. Aple pudche kalakar jasa attach sarani aplyala sangitle ki generation to generation mulancha sathi tyanni sangitla, parantu mala sangala anand hoto ki magcha veles jase aplyakade ustad shahid parvez ji alet ta tyanche suputra shakir khan ji aaj aplya sobat ahet, tyacha agodar आपल्याकडे पंडित उपाध्याय जी आले होते आणि त्यांचा चिरंजीव तेजस उपाध्याय जी आज आपल्या सोबत आहे। तर एक प्रकारे हे पिढ्यापासून पिढ्यांकडे ही आपण हे जे सूत्र आहे हे आपण हे शास्त्रीय संगीत आता ही पाळलेलं आहे।
Shakir Khan is one of the most promising young exponent of the legendary Itawah Gharana, and father, guru, Ustad Shahid Parvez Khan, Padma Shri. Shakir represents the eighth generational link, a chain that includes Ustad Ji, the musical legacy of Ustad Aziz Khan, Shakir's paternal grandfather, that of the Ustad Wahid Khan, Shakir's great grandfather, great Ustad Vilayat Khan, his grand uncle. The work paid off, and in recent years, Shakir has performed brilliantly for prestigious music conference in India, including the Dover Lane Music Conference in Kolkata, Savai Gandharva Music Festival, Pune, the Saptak Musical Festival, Ahmedabad, Bombay Music Festival, the Tansen Music Festival, Gwalior, the Shankarlal Music Festival, Delhi, and many more. He has also performed extensively worldwide, bringing the joy and subtly the Itawah Gharana to the audience in the Canada and Europe. Government of India Merit Scholarship he has got and first prize at the All India Radio Music Competition. Like his father, Shakir Khan stands out of his exquisite sense of sur and lay. He has equally been blessed with a seductive stage presence that quickly wins an audience over to the musical voice. He has also classical knowledge and skill in the international fusion project like the European Jazz Ensembles called Talism, Germany, and Human Evolution, Spain. For this revival, however, Shakir is the most to be treasured as the highly talented repository of one of the world's oldest and greatest classical tradition. Shakir Khan's performance will both inspire and astonish any attentive audience. आपले पुढचे परफॉर्मर त्यांना पंडित म्हणलेलं आवडत नाही खरं म्हणजे मी फक्त तेजस उपाध्येच बोलावं असं त्यांनी मला सांगितलंय. तेजस उपाध्ये इज अन अर्डंट व्हायोलिनिस्ट बिलॉंग टू द रिवर्स पंडित भास्कर बुवा बखले घराणा वेअर हिज टॅलेंट ॲज अ स्पिरिटेड म्युझिशियन वॉज नरिश्ड ड्रॉईंग इन्स्पिरेशन फ्रॉम हिज फादर अँड गुरु पंडित अतुल कुमार उपाध्ये वर्ल्ड रिनाउंड व्हायोलिनिस्ट हिमसेल्फ. तेजस स्टाईल रिप्रेझेंट अ युनिक ब्लेंड ऑफ इंडिया ॲज वेल ॲज वेस्टर्न टेक्निक. He has done concert all across Europe, like France, Germany, England, then Dubai, USO, Indo-German Summit, which is a cultural event, then Gunwardhan Award, Instrumentalist of the Year, then Pandit Jitendra Abhisheki Mohotsav, Saptak Mohotsav, Avi Ogle Trust Scholarship for Florida, Bismillah Khan Saab, Yuva Puraskar. He is a co-founder, member of Swarjhankar, which is India's largest chain of classical event. He is a center for promotions of music founder member. आणि पंडितजींचं मला वाटतं मी काही बोलायलाच नको. पंडित मुकेश जाधव एक अशी व्यक्ती ज्याने गेल्या चार वर्षापासून तिन्ही सत्रामध्ये प्रत्येक वर्षाच्या म्हणजे हे 11वं की 12वं सत्र असेल या सगळ्या सत्रांमध्ये सगळ्या जागतिक कलावंतांना आपल्या तबल्याच्या माध्यमातून साथ दिली. मला वाटतं जगातला हा एक विक्रम असावा की सलग चार वर्ष तीनही सत्रांमध्ये सगळ्या सत्रांमध्ये पंडितजी इथे तीन तास बसून असतात सगळ्यांना देत. त्यांच्या त्यांच्याबद्दल बोलण्याऐवजी त्यांचा तबलाच खूप चांगला बोलतो. अतिशय नम्र व्यक्तिमत्व, जगप्रसिद्ध परंतु डाऊन टू अर्थ, बाबासाहेबांचे हे असे विचार घेऊन चालणारी लोकं आहेत म्हणून हा कार्यक्रम एवढा सुंदर होतो. मी आपल्या सर्व परफॉर्मरला विनंती करतो की त्यांनी परफॉर्म करा. आज आपल्यासाठी शाकिर खान आणि तेजसने राग किरवाणी निवडलेला आहे. राग असा असतो की एक फ्रेमवर्क असतं, त्याच्यामध्ये चार पाच नोट्स असतात आणि त्या नोट्सप्रमाणे तो राग सुंदर ते करत असतात. आणि त्या रागामध्येच एक सरप्राईज गाणं जे बाबासाहेबवरती आहे ते त्याच्यातून ते वाजवणार आहेत, ते श्रद्धांजली अर्पित करणार आहेत. ते तुम्हाला समजेलच. राग किरवाणी, शाकिर खान, तेजस उपाध्याय. तानपुऱ्यावर सारंग अर्धानपूरकर आहेत, त्यांचं नाव घ्यायचं राहिलं.
Thank you.
हॅलो. आता जो राग ऐकला पण किरवाणी होता, दॅट इज मिक्सिंग ऑफ टू रागज. आता जे आपण ऐकणार आहोत ते खरी भीमांजली भीमराया घे तुझ्या या लेकरांची, शाकिर खान आणि तेजस. Thank you.
साधुवाद दे सर। आपल्याला माहितच आहे वामनदादा कर्डकांच्या या ओळी आहेत, भीमराया घे या लेकरांची वंदना किंवा उद्धारली कोटी कुळी भीमा तुझ्या जन्मामुळे। आपल्याला माहीत असेल वामनदादा अतिशय गरिबीत त्यांचं शेवटचं आयुष्य गेलं, परंतु आज या शास्त्रीय घराण्यातल्या लोकांनी वामनदादांची ती गाणी गाऊन एवढ्या त्यांना उंचीवर एवढ्या श्रीमंतीवर नेऊन ठेवलं आहे की आज खरंच वामनदादा असते तर त्यांच्याही डोळ्यात पाणी आले असते। ज्यांनी ज्यांनी बाबासाहेबांचं नाव आपली लेखणी बाबासाहेबांनी झिजवली ते पैशाने जरी गरीब राहिले तरी कीर्तीने मात्र नेहमी श्रीमंत राहतील। आपण या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आता येत आहोत। मी मुकेशजींना विनंती करतो की कार्यक्रमाच्या समारोपाचं शब्दच फुटत नाही कारण इतकं सुंदर वातावरण तयार झालेलं आहे की हेच तुम्ही हृदयामध्ये मनामध्ये आपण घेऊन जावं। बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या समता बंधुता या तत्वाला आपण पायीक ठेवून आजचा हा भीमांजलीचा कार्यक्रम आम्ही इथंच संपवतो। परत एकदा
आदरणीय आशादेव कांबळेजी, पंडित रुनू मुजुमदार, शाकीर आणि तेजस यांचा मी आभारी आहे. असं परत भेटूया पुढच्या वर्षी याच वेळ. धन्यवाद. जय भीम.
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं आमचे डिप्युटी कमिशनर शमशाद आलम यांनी बाबासाहेबांवर खरंच लिहिलंय, आपने हसरत उमंगों को रवानी दे दिया, सदियों से कुचले हुए को जिंदगानी दे दिया, आपको आना था नेमत पीढ़ियों के वास्ते, आपने आकर हमें ये मेहरबानी दे दिया, खुद भी आकर ठोकरे हिम्मत न हारे तुम कभी, जुल्म सहने वालों को जोश व जवानी दे दिया, हम तो गाएंगे तराना भीम का जय भीम का, बेजुबानों को भी जिसने हुक्मरानी दे दिया। बहुत बहुत साधुवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर जी को आपका धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित यहाँ पे करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भीमांजलि प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये जो जग प्रसिद्ध पूरे विश्व में जिनका नाम है ऐसे कलाकार यहाँ पर जो आते हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पंडित मुकेश जाधव जी ये करते हैं, और सभी हमारी उतनी जान पहचान कला विश्व में नहीं है, लेकिन इनकी बहुत जान पहचान है, और उनके प्यार के खातिर ये इनके सभी कलाकार मित्र जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में बाबा साहब को आदरांजलि देने के लिए आते हैं। ये सभी कलाकारों का, खास करके आज जो उपस्थित थे, हमारे पंडित रोनू मुजुमदार जी, मिस्टर तेजस उपाध्याय, शाकिर खान जी, उस्ताद परवेज खान जी यहाँ पर आए थे, आपको पता है उन्हीं के सुपुत्र है यहाँ पर, और पंडित मुकेश जाधव साहब तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही है, और उन्हीं के ये सभी कलाकारों का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी का यहाँ पर मैं धन्यवाद देते हुए अगले साल हम लोग फिर सवेरे 6 बजे जो है फिर से मिलेंगे। इसी के साथ ये भीमांजलि कार्यक्रम समाप्त हो गया, ऐसे मैं यहाँ पर आप सबको खबर करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।